हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम आपकी कौम, जब आप कौम से नाराज़ हो गए, ना उम्मीद हो गए, तो आप अपनी कौम को छोड़ के आ गए। जब बादल आ गए, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया, नहीं समझे। बादल आ गए, अल्लाह के अजाब आसमानों पर। ये पहली कौम है किसी नबी की कि जिस पर आया हुआ अजाब टल गया है। तो फरमाया कि जब हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम उस इलाके को छोड़ के चले गए ना, तो फरमाया कि बादल आ गए। तुमने कहा हम अल्लाह के नबी को नाराज़ तो कर चुके, उन पर ईमान तो हम नहीं लाए, आओ हज़रत यूनस के रब से माफ़ी मांग लें। तो अब बादल भी आए हैं, हर चीज़ तैयार है, वो सारे खुले मैदान में निकले, कहा ए यूनस के रब हमें माफ़ कर दे, हम तेरे अजाब के। अब अल्लाह ताला ने वो अजाब टाल दिया। उधर हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई, आपने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे नबी आपने अपनी कौम को छोड़ा क्यों है? जब वो उन्होंने माफ़ी मांग लिया, आपने आपकी कौम की माफ़ी कबूल कर ली है, अब 40 दिन तक फिर एक मछली में रहे, पेट में रहे, और वहाँ आपने फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, या अल्लाह तू ही पाक है, हम ही घाटा पाने वालों में। तो अल्लाह ताला ने उस कौम को मायूस नहीं किया जिस पर अजाब तैयार था, अल्लाह ताला ने माफ़ी दे दी। इसलिए हर वक्त माफ़ी की पोजीशन में रहा करें, आजी की पोजीशन में रहा करें, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता रहें।